जियारत से इस्लाम मना नहीं करता, जियारत की जगह पर जाकर अकीदों को बर्बाद करने से इस्लाम मना करता है। जाओ तवक्कुल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की जियारत करने के लिए, कभी कोई मौलवी रोका, देवबंदी रोका? जाओ हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जियारत करने के लिए, रोको तो जुबान खींच लेना। ये नौजवान वो है जो मेरे साथ अक्सर सफर में रहता है, हम कितने अल्लाह वालों के मजारात पर हाजिरी दिए, जाने से कोई रोकता नहीं है, जियारत से कोई रोकता नहीं है, जाने के तौर तरीके भी होते हैं। हाँ एक बात याद रखे, तकरीर को बड़े एहतियात से बयान करना, बयान तकरीर को बड़े एहतियात से पेश करना पड़ता है। मौली साहब बोले जाने से रोकता नहीं, जाते जाते घर के डब्बियों को बुला लेकर जाना नहीं। मर्दों को जाने की इजाजत है, औरतों को जियारत की इजाजत नहीं है, औरतों को जियारत की इजाजत नहीं है। औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती, हां मर गई तो लेकर जाना पड़ेगा, वो किसी अल्लाह वाले की खबर के पास नहीं जा सकती। खुद का बाप मर गया उसके खबर के पास नहीं जा सकती। हम लोग मर्द हजरात अगर जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह वालों के मजारात के पास अक्सर आपने देखा होगा मर्दों से ज्यादा औरतें रहती हैं, और गलत अकीदों में वही औरतें मुब्तला हो जाती है। जियारत से इस्लाम रोकता नहीं है, बल्कि आका ने फरमाया कि मैं शुरू शुरू में तुम लोगों को जियारत से रोकता था, अब तुम्हारे ईमान पर मुझे भरोसा आ गया, आप लोग आराम से जाकर जियारत करो।